तो आज हम लोग देखने वाले हैं कौन सा एनिमे है सबसे बेस्ट पूरे दुनिया के अंदर। जी हाँ, कौन से हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एनिमे हैं, जैसे कि आप लोग ड्रैगन बॉल जी बोल सकते हो, या फिर नारुतो शिपुडेन बोल सकते हो, नारुतो ओजी जो है वो भी बोल सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमे हैं जो इसका हकदार है, जैसे कि ब्लीच भी अच्छा है, वन पीस तो बहुत ही अच्छा है, और नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। चलो वीडियो में शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम बोले कि सबसे अच्छा सबसे बेस्ट एनिमे कौन है, उसका आंसर बहुत ही इजी है, मैं ये बस खड़े खड़े बोल सकता हूँ, और ये सब लोग एग्री भी करेगा। और एक बात बोल देता हूँ, अगर तुम्हारे नंबर वन में जो एनिमे है, जो वो आपका फेवरेट एनिमे नहीं आया, तो हेट कमेंट प्लीज़ करो कमेंट में, क्योंकि हेट कमेंट से भी रीच मिलता है भाई, तो कर दो कमेंट में। और अगर हम लोग बात करें कि कौन सा एनिमे जो मैं खड़े खड़े बोल सकता हूँ नंबर वन पे आ ही जाएगा, वो है जुजुत्सु काइज़न। जी हाँ, सपने देखना अच्छी बात है। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है भाई। इस जज हम किस बेसिस से करेंगे, देखो सबसे पहले हम जो नॉमिनेशन करेंगे वो करेंगे गूगल से। जी हाँ, एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो दुनिया के सबसे बड़ा है, तो हम लोग गूगल से करेंगे नॉमिनेट। उसके बाद उसका चैट जीपीटी यूज़ करेंगे, उसका मेटा एआई को भी चेकआउट कराएंगे, और चेक करेंगे किसका स्कोर ज़्यादा होगा, और उसके बाद आखिरी में लास्ट 5 टेक्निक में एक है गूगल, दूसरा में है चैट जीपीटी, चौथे पे है मेटा एआई, एंड फिफ्थ पोजीशन में है पोल्स। जी हाँ, हम पोल्स का यूज़ कर रहे हैं। एक कौन सा पोल्स है पता है, ये है हमारा, ये है कम्युनिटी पोल। जी हाँ, मेरा सब्सक्राइबर जिनको वोट करेगा उनका पॉइंट बढ़ जाएगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले नॉमिनेशन से। तो चलो यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेते हैं गूगल पर। जस्ट किडिंग गाइस, तो चलो अभी हम लोग सर्च में सर्च कर लेते हैं टॉप 5 बेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। जी हाँ, इसको ही हम लोग सर्च कर लेते हैं, और इसको सर्च करने के बाद ही हम लोग देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एनिमे आ गया है, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट आ गया है, नीचे आप लोग देख सकते हो डेमन स्लेयर भी है, साइड में नारुतो है, फुल मेटल अल्केमिस्ट भी है, वन पीस भी है यहाँ पर। तो यह से तो हम लोग नहीं लेंगे, तो चलो ये वाला एक वेबसाइट से हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जापान वेब मैगजीन बोल के एक वेबसाइट है, यहाँ पर से हम लोग लेते हैं। तो इस वेबसाइट पे हम लोग चले जाते हैं और नॉमिनेशन को कर लेते हैं। तो पहले जो नाम हमारे पास आ गया है वो है डेमन स्लेयर। जी हाँ, डेमन स्लेयर हमारे पहले नॉमिनेटर है। उसके बाद के जो एनिमे है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसका नाम है नो अदर देन नारुतो। जी हाँ, नारुतो है हमारा सेकंड नॉमिनेटर। थर्ड में हम लोग देख लेते हैं थर्ड में कौन है। थर्ड में हमारे पास है क्लैनेट, जो भी अगर प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो तो समझ लेना। फोर्थ में है वन पीस, एंड या ये बहुत ही टफ जाने वाला है। और फाइव में हम लोग देख सकते हैं फुल मेटल अल्केमिस्ट। जी हाँ गाइस, ये रहा हमारा टॉप 5 नॉमिनेटर। इस नॉमिनेशन से हम लोग निकलते हैं और देखते हैं कौन है टॉप 1। तो वैसे तो हमारे पास 5 नॉमिनेशन आ चुका है, लेकिन अभी हमको क्या करना है, अभी हमको एलिमिनेट करना शुरू करना है। जी हाँ, अभी हम लोग मेटा एआई को यूज़ करेंगे, जो कि हमारे सबके व्हाट्सएप पे है, और देखेंगे कौन सा एनिमे सबसे पहले निकल जाता है। जी हाँ, देखेंगे कौन सा एनिमे ऐसा है जो वो निकलवा दे सकता है, या पर जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो चलो देखते हैं। तो हमारे पास हमारे स्क्रीन रिकॉर्डर में स्टार्ट कर चुका हूँ, साइट पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आ रहा होगा। तो चलो अभी हम लोग अपने व्हाट्सएप पे चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग मेटा एआई को ओपन भी कर लिए हैं। तो चलो इसको ही पूछते हैं। इसको पहले मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास 5 नॉमिनेशन है, इसको एक को एलिमिनेट करना है। तो इसको मैं भेज दिया हूँ, यहाँ पर देखो ये बोरा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको मैं 5 का लिस्ट जो है वो भेज देता हूँ, और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। पहले क्या था, डेमन स्लेयर था आई थिंक।
डेमन स्लेयर, उसके बाद सेकंड में था हमारे पास नारुतो। मैं यहाँ पर कोई रैंकिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ सीरियल वाइज देता जा रहा हूँ। फिर था आई थिंक क्लैनेट बोल के कुछ था, क्लैनेट हाँ ये वाला। फोर्थ में था हमारे पास फुल मेटल अल्केमिस्ट, फुल मेटल अल्केमिस्ट। एंड फिफ्थ में आई थिंक था वन पीस, ऑब्वियसली बहुत बड़ा है भाई वन पीस, सो वन पीस। ये फाइव लिस्ट था, तो मैं इसको भेज देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो हाँ, तो लेजेंडरी चॉइस, तो चॉइस हमारा सब ऑलवेज लेजेंडरी होता है। तो ये एलिमिनेट क्या है क्लैनेट को, सॉरी अगर क्लैनेट और जो भी है उसको एलिमिनेट कर दिया है। इसके पास हमारे पास जो रिमेनिंग होता है वो है अभी डेमन स्लेयर, नारुतो, फुल मेटल एल्केमिस्ट एंड वन पीस। ये चार रह चुका है हमारा टॉप फोर में। तो अभी देखते हैं इसके बाद राउंड टू में क्या होता है। राउंड टू में हमारे साथ होगा चैट जीपीटी। राउंड टू, तो हम लोग आ चुके हैं राउंड थ्री पर। राउंड थ्री पर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग दो दो एनिमे को एलिमिनेट करने वाले हैं। जी हाँ, कैसे, चैट जीपीटी के सहारे। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ते हैं। चैट जीपीटी में ऑन कर लेता हूँ मोबाइल पे, साइट पे स्क्रीन आ जा रहा होगा। तो जी हाँ, मैं यहाँ पर ऑन कर दिया हूँ। मैं इसको बोल भी देता हूँ कि चार एनिमे हैं जिसमें से दो को उसको कैंसिल आउट करना है, तो वो लिख के आ गया श्योर। तो मैं इसको लिस्ट दे देता हूँ। तो मेरे पास जो रिमेनिंग लिस्ट था वो था नारुतो था, सेकेंडली हमारे पास डेमन स्लेयर भी था, डेमन स्लेयर के बाद हमारे पास था फुल मेटल एल्केमिस्ट एंड या लास्ट में था वन पीस भी था हमारे पास। तो यहाँ पर वन पीस भी हम लोग लिख देते हैं। जी हाँ, लिख दिया हूँ, अभी सेंड कर देते हैं। इसमें से दो को एलिमिनेट करना है चैट जीपीटी को। तो चलो शेयर कर दिया मैंने। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नारुतो वन पीस को ये कर दिया है कैंसिल आउट, क्योंकि ये बोल रहा है कि फुल मेटल एल्केमिस्ट और डेमन स्लेयर का जो मतलब स्टोरी लाइन और यूनिक आर्ट है वो बहुत बढ़िया है। तो अभी हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखो नारुतो भी बहुत ही बढ़िया एनिमे है और डेमन स्लेयर मतलब सबके सब एनिमे बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर नारुतो और वन पीस को कैंसिल आउट कर दिया गया। तो चलो यही हमारा टॉप टू है। तो हमारा टॉप टू में चला जाता है डेमन स्लेयर एंड फुल मेटल एल्केमिस्ट। और हाँ, अभी हम लोग राउंड फाइनल में जाने वाले हैं, जहाँ पर हमको सिर्फ देखना यही है कि पोल में किसको ज़्यादा वोट मिलता है। मैं एटलीस्ट 50 वोट तो आने चाहिए, उसके बाद ही पोल को मतलब एक्सेप्ट करूँगा। अगर 50 नहीं आता है तब तक मैं थोड़ा सा वेट कर लूँगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, मैं पोल क्रिएट कर दिया हूँ। शायद तुम लोगों ने उस पोल को कर भी दिया होगे वोट, बहुत बढ़िया। तो इस पोल का रिजल्ट में दिखाने वाला हूँ। फाइनल राउंड। तो दोस्तों, हम लोग राउंड फाइनल में आ चुके हैं और फाइनल राउंड में हम लोग देखने वाले हैं कौन सा एनिमे सबसे बेस्ट है दुनिया के अंदर। देखो, मैं यहाँ पर अपना मर्जी से कुछ नहीं किया हूँ, मैं एकदम ऑल्टरनेटिव AI मतलब AI के जो भी तरीका है उसको फॉलो किया हो। तो तुम लोग बोल सकते हो यहाँ पर जज कौन है, जज है AI, और मैं यहाँ पर सिर्फ एंकरिंग कर रहा हूँ बे, कुछ भी बोलो। तो चलो, हमारे पास जो रिजल्ट आ चुका है उस रिजल्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट शायद देख सकते हो, स्क्रीनशॉट में एकदम देख सकते हो कि डेमन स्लेयर को भर भर के वोट मिला है फुल मेटल एल्केमिस्ट से, समझ रहे हो, मतलब इतना भारी टक्कर दिया है, मतलब फुल मेटल एल्केमिस्ट टक्कर नहीं दिया, सिर्फ डेमन स्लेयर खुद को टक्कर दिया है भाई, इतना बड़ा अमाउंट ऑफ वोट उसको मिला है। तो चलो, आज के वीडियो के लिए मैं बोल रहा हूँ डेमन स्लेयर है विनर। और डेमन स्लेयर जब विनर हो ही चुका है, तभी मैं बोल देता हूँ ये बात, हमको मानना पड़ेगा कि डेमन स्लेयर का जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छा है। डेमन स्लेयर के स्टोरी को छोड़ो, उसकी जो आर्ट स्टाइल है, जो ब्रीथ टेकिंग आर्ट है भाई, खतरनाक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ, हम लोग डेमन स्लेयर को नंबर वन पर मान सकते हैं। वैसे अगर बात किया जाए
पूरे एनिमे में शायद और भी अच्छा हो सकता था इनसे, लेकिन चलो ये भी बहुत ही अच्छा है। डेमन स्लेयर को हम लोग कम नहीं समझ सकते, उसका फिनाले आने वाला है, मूवी आने वाला है कुछ इन्फिनिटी कैसल का, तो उसका मूवी कब रिलीज़ होने वाला है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब भी हमको रिपोर्ट मिलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, खुश रहो यार, हैप्पी दिवाली।